बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 जैसलमेर रोड पर क्राउन प्लाजा के पास तिलक नगर की ओर जा रहे 40 वर्षीय बाइक सवार की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में हरिशंकर पुत्र ओम प्रकाश खटीक निवासी हमीरपुरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गंभीर घायल को इलाज के लिए बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 जैसलमेर रोड पर क्राउन प्लाजा के पास बुधवार सुबह तिलक नगर की ओर जा रहे एक 40 वर्षीय बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार हरिशंकर पुत्र ओम प्रकाश खटीक निवासी हमीरपुरा गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद गंभीर घायल को इलाज के लिए बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर थाना ASI लूणाराम के मुताबिक अज्ञात वाहन की टक्कर से 40 वर्षीय हरिशंकर खटीक गंभीर घायल हो गया, जो अपने घर से तिलक नगर जा रहा था। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात्रि 9:45 बजे की बात है। ये हरिशंकर पिताजी का नाम है ओम प्रकाश, जाति खटीक है, निवासी अमीरपुरा का है, जो अपनी मोटरसाइकिल से मंसूरिया कॉलोनी की तरफ जा रहा था, जो अज्ञात वाहन द्वारा उसके टक्कर मार दी गई, जिससे उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। आज जो है मोर्चरी रूम में बाद कार्रवाई के लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु उसके वारिसान को सुपुर्द की गई। परिजनों ने सड़क दुर्घटना अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से मृत्यु होना के संबंध में रिपोर्ट दी है। पुलिस के अनुसार मृतक हरिशंकर खटीक बुधवार सुबह अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान हाईवे पर क्राउन प्लाजा के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। गंभीर घायल अवस्था में हरिशंकर को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।